नंबर प्लेट ही नहीं है मैच आगे पीछे नहीं है, वो भी मत लगवाना इस पे, वो भी मत लगवाना आगे, थोड़ी बॉडी बनाओ यार गट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम राइड डायरीज एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। गाइस कैसी लग रही है मेरी लुक? लग रहा हूँ ना राइडिंग जैकेट के अंदर मस्त एकदम। यस, मैंने राइडिंग जैकेट ले ली है। हाँ, इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा आप लोगों को बाहर, यानी कि रानी पे बैठ करके। पर उससे पहले ये आपको लुक दिखा रहा हूँ अपनी, कैसी लग रही है मेरी सेंटी लुक। राइडिंग पैंट भी है, राइडिंग जैकेट भी है। तो मिलते हैं रानी पे, वहीं चल के बात करते हैं बाकी। जयकारा वीर बजरंगी का, बोल सच्चे दरबार के, हर हर महादेव शिव शंभु, जय माता रानी की, जय श्याम। तो गाइस राइड की शुरुआत हो चुकी है और मैं घर से आज टाइम पे निकला हूँ पहली बार जिंदगी में। हैं यार, आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया यार, कैसे लग रहा था मैं? ब्लैक कलर में ही लिया मैंने खाली टोटल सेट, कलरफुल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता यार। 42 एज का हूँ और क्या नाम है, इसीलिए जो है थोड़ा सा मेरे को लगा कि कलरफुल ना लेकर के ब्लैक लेंगे। और हालांकि ब्लैक बहुत जल्दी डर्ट हो जाता है, मिट्टी वाला हो जाता है, जल्दी ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को यही रहा कि नहीं यार यही लेना है। कोई बात नहीं, राइडिंग सूट है, आ करके चेंज हो जाएगा, सब धो लिया जाएगा आराम से। बाकी पहले ऐसे लग रहा था कि ये पेंट पतोला है, मतलब बहुत नीचे है, लेकिन जब मैं बैठा ना तो पता चला कि ये नीज बिल्कुल इसके ऊपर आ रहे हैं, नीज के ऊपर आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मतलब बैठने के बाद ना एकदम फील आ रहा है, मतलब कंफर्टेबल जोन का फील आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, लाल बत्ती का पूरा सम्मान करना भाई। यही एक रेड लाइट ऐसी चीज़ होती है जो सामने वाली गाड़ी को रोकती है हमारी तरफ आने से और हमारी जान बचाती है, तो इसका सम्मान करना, अपमान कभी मत करना, इसको ऐसे क्रॉस मत करना, राइट। एक कमेंट आया था भाई, ये तो सब चोचलेबाजी है जो ये राइडर्स लोग पहनते हैं जाते हैं, कॉमन लाइफ में कौन क्या पहन रहा है क्या नहीं करता, या आप लोग जो कॉमनली राइडिंग करते हैं या कहीं छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं क्या राइडिंग जैकेट पहन के जाते हैं? तो सेज यस, जी हाँ, अगर मैं छोटे मोटे काम के लिए भी जाता हूँ तो अब राइडिंग जैकेट डाल कर जाता हूँ। कल परसों सेक्टर 7 तक ही गया था सिर्फ स्कूटी से, तो मैंने राइडिंग जैकेट डाली थी, ठीक है जी। जो कि मतलब पहले एक टाइम था जब मैं इस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, या कह लो मेरे को इज्जत नहीं समझ में आती थी, तब मैंने जो है ऐसे ही किया हुआ है, बेखाम खाम में ऐसे ही चला जाता था, कहीं भी बिना हेलमेट के भी चला जाता था। लेकिन आज की तारीख में मैं बिना हेलमेट तो कहीं निकलना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मेरा घर जो है वो मोहल्ले के अंदर ही अंदर है, अपनी दुकान से जो है मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे है, तो वहाँ तक बस मैं विदाउट हेलमेट जाता हूँ, उसके आगे मैं कहीं भी जाना है विद हेलमेट जाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे दोस्त की बेटी भी मेट्रो स्टेशन आ रही होती है ना, तो भी मैं हेलमेट पहन के जाता हूँ उसे लेने के लिए। रिस्पेक्ट ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट, ठीक है ना। चलो, लगभग रोहिणी से बाहर निकलने वाले हो गए और सारा हमारे वेट कर रहे हैं एम्बियंस मॉल की तरफ को, तो वहीं पहुँचते हैं फटाफट से ब्लॉगिंग करते करते। भाई रात को आई है मस्त वाली का बारिश रोहिणी में, भाई रोज़ आ रही है एक टाइम बारिश, जबकि सावन चला गया है उसके बाद भी भादों में भी, और अच्छी आती है, हल्की फुल्की नहीं आती है, मतलब जिसे ये नहीं कह सकते आप कि मतलब मज़ेदार नहीं आई, खूब दबा के होती है एक बार दिन में, दिन भर में एक बार हो ही रही है, रोजाना ही होती है। इतनी बारिश पे अच्छी नहीं है यार, इस साल तो बहुत बारिश हो गई यार, बहुत बारिश हो गई। बताओ, अरे यार मैं वीडियोस देख रहा था, वो लामा यूरो में भी बादल क्लाउड बस्ट हो गया, बताओ यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, वहाँ तो यार
जन्नत है यार, वो जन्नत बह जाएगी यार। भगवान जी ऐसा मत करो यार, वहाँ जन्नत को मत तंग करो यार। कहते हैं जिसे जन्नत वो है वहाँ। देखो चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन राइडर्स की फर्स्ट चॉइस है वही जन्नत है या नहीं। और हर राइडर का एक सपना है उस जन्नत में एक बार कम से कम जाने का, लगता नहीं। तो बस वहीं जाना है, एक बार जरूर जाना है यार। हालांकि ये तैयारियां इसीलिए हो रही है, एक बड़ी राइड के लिए हो रही है, और मैं दुकानदार हूं तो पता नहीं बड़ी राइड कभी कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जानता। बस करनी है, लेकिन यार करनी तो है यार। यार आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते यार, शेयर ही नहीं करते हो यार वीडियो को बिल्कुल भी, और देखते ही नहीं हो पूरा यार। दो दो मिनट का एवरेज भी होता है सिर्फ वीडियो में यार। ठीक से देखो यार, मज़ा आया था कि हमें भी बनाने का। भाई ये थार नहीं है, एयर इंडिया का जेट है, एयर इंडिया का। ये कहाँ जाएगा पता ही नहीं। देखो नंबर प्लेट तक बंदे ने हटवा रखी अपनी गड्डी। इतने तो बदतमीज किस्म के थार वाले हो गए हैं। ए हल्की ब्रेक तो हमें अब भी मारनी पड़ी। वहीं है देखो, कितने बाहर निकलवा रखे इस बंदे ने। ऑफ रोड भाजी, गाड़ी बनवा रखी है यार, गाड़ी बनवा रखी है यार भाई, गाड़ी बनवा रखी है भाई। आपकी है? ये मैंने खुद रेडी करी है। अरे बहुत सही भाई, लाल तो ऐसे चमकती है, थोड़े अंधेरे में निकलोगे ऐसे लगे काली बिल्ली के वो लाल आके है। अच्छा, अरे अब तो बड़े बड़े भाई जो कलर स्टिकर बदल देते पूरे के पूरा कलर ही बदल देते है। वो तो है आई कैचिंग, अभी भी है ये साले पहिए जो बाहर निकल रहे हैं। पर है मस्त यार, नंबर प्लेट ही नहीं है वैसे, आगे पीछे कहीं नहीं है। लगा लो वैसे चलान जितने बना दे हैं, कोई रोकता ही नहीं है। वो भी मत लगवाना इस पे, वो भी मत लगवाना टोल वाला स्टिकर। नहीं नहीं, टोल का जो होता है फास्टैग। नहीं नहीं, मैं स्टॉप से ही। अरे फास्टैग लगवाना ही मत, नहीं तो बैंचो चलान उससे आ जाएगा, उसमें गाड़ी का नंबर चेसी सब आ जाएगा ना। वो क्या नाम है, मैं वैसे मैं स्टाफ से हूं इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो जब कोई अटक गया तो फिर देख लेना, दिक्कत तो तगड़ी कर देगा वो साला। आज जब तक चल रही है चलाओ, मजे लो, बाकी थोड़ी बॉडी बनाओ यार, गाड़ी के हिसाब से बॉडी ना है तुम्हारी। मैं और दूसरी तैयारी कर रहा हूं, मैं सही की तैयारी कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? मैं गुड़गांव जा रहा हूं। किसके? वो कोडिंग का इवेंट। कौन से पे? थ्रोटल छोटल, थ्रोटल छोटल पे ही जा रहे हो? आप भी नहीं जा रहे? नहीं, मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते थ्रोटल छोटल पे ही था, इस हफ्ते नहीं जा रहा। चलो करो, एंजॉय करो। ओके जी, ओके। आज यार हम कोई ऐसे इवेंट पे तो जा नहीं रहे हैं जहाँ हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, और मेरी टीम वाले वैसे ही मेंबर बड़े सच्चे हैं साले, जहाँ पैसे खर्च होते हैं वहाँ तो काम ही नहीं करते कोई। तो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक ब्रेड और थोड़ी चाय ले ली और शुगर की गोली सुबह ही खा कर चल दिया। हाँ भाई, ये रिस्क नहीं लेना। आ जाओ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा किडनी जो है वो नॉर्मलाइजेशन में आई है, थोड़ा अच्छा रिएक्ट कर रही है, बॉडी के सारे अंग जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं इस समय। अभी रिसेंटली मेरे टेस्ट हुए थे तो उसमें सारे सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट थे। डॉक्टर बाज हैप्पी के
गुड रिजल्ट्स हैं। हालांकि मेडिसिन थोड़ी कम कर दी है कल से, तो कल ही गया था एक्चुअल में, कल सैटरडे था तो कल ही गया था डॉक्टर के पास, तो कल से थोड़ा मेडिसिन भी कम हो गई है। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अच्छी बात है अगर मेडिसिन कम हो गई है थोड़ी तो बेटर है लाइफ। बाकी रिपोर्ट्स के बिहाब पे चलते हैं, डॉक्टर्स तो रिपोर्टें बताती हैं उनको, तो हाँ भाई ये करना है ये करना है ये करना है, वरना तो कुछ भी नहीं है। बुंडे गुंडे सारे, अरे बदमाशो कित से कित तो खाड़े। लौड़े साले तेरे उससे तो अच्छी है, बढ़िया यार बढ़िया। लेट हो रहे हैं, चलो भाई चलना नहीं है क्या? अभी आ रहे हैं और ना रहे। और कौन आ रहा है? तभी मेरी वेट कर रहे हो सालो, अब समझ में आया। अभी सारे सारे कारे एकदम बढ़िया, ये नए नए डाले इसमें। तो गाइस यहां से निकल चुके हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घामरोज विलेज की तरफ, वहाँ से हम आगे जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। और वाटरफॉल ये ऐसा वाटरफॉल है कि ये सिर्फ बारिशों के दिनों में ही डेवलप होता है, नेचुरल वाटरफॉल, बाकी साल के 12 महीने बंद रहता है। तो हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, चलो चलते हैं। कल परसों तक तो बारिश होती रही है दिल्ली में, हमारे यहाँ भी हो रही थी आज सुबह भी, तो देखते हैं क्या वहाँ हमें वाटरफॉल मिलता है या नहीं मिलता है। ये फेक वाटरफॉल नहीं है, होता है पर हमेशा नहीं मिलता है। तो गाइस मैंने यहाँ रुके थे थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, ये लोग कि लेकर के वहीं चल के पियेंगे खाएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ चिप्स वगैरह लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना कैमरा रीसेट कर लिया था, मैं कहा देखूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अब आगे चलते हैं देखते हैं। तो भाई रास्ता देख लो, ऐसे गांव के बीच में से जाना है, ठीक है ना? और आप लोग भी आओगे मानोगे तो हो नहीं, बट यहाँ वैसे आओगे ना रेगुलर डेज में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फेक वाटरफॉल बोलोगे आप लोग, क्योंकि ये एक नेचुरल वाटरफॉल है। और ये जब बारिशें होती है ना, ये उन्हीं दिनों में एक्टिवेट होता है और दो चार दिन आगे तक रहता है। कल यहाँ बारिश हुई, परसों यहाँ बारिश हुई, तो आज वाटरफॉल मिलना चाहिए, हम लोग भी इसी उम्मीद से आए हैं। बाकी लेट्स सी क्या मिलता है। ये वैसा नहीं है पहाड़ों वाला है नहीं वैसा माहौल कि यहाँ पर रोज ही मिलेगा आपको जब मर्जी आ जाओ, नहीं। कुछ फेक वाटरफॉल की वीडियोस जो हैं वो इसी वजह से हैं कि ये फेक है, वाटरफॉल नहीं है वो, ये सिर्फ बारिशों के दिनों में ही खुलता है या कह लो चालू होता है।
तो गाइस फाइनली वाटरफॉल पे तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर पानी का पाप ही नहीं है आज। सच में वाटरफॉल ही नहीं है, बंद हो गया है। सॉरी, हम लोगों की किस्मत ही ख़राब है, बट इट्स नॉट फेक, होता है यहाँ पर। हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर ने यहाँ देखा हुआ है वाटरफॉल, तो नो प्रॉब्लम। तो गाइस बाहर आ गया हूँ, बाहर आके 10 मिनट सारा कैमरा कुमरा भी सेट कर लिया, और अब निकल रहे हैं आगे को सब लोग। मैं भी निकल रहा हूँ इनके साथ में ही। वाटरफॉल होता तो यार नज़ारा अलग होता, वाटरफॉल नहीं था तो इसको मज़ा नहीं आया यार, नज़ारा अलग होता यार, कसम से मज़ा ही अलग होता। मतलब ये कल परसों बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी वाटरफॉल नहीं था, बड़ा अफसोस रहा इस बात का। तो यार यहाँ एक ढाबा दिखा है मुझे, मैं रुक के यहाँ पानी वानी ले लूँ, थोड़ा पानी पियो यार, पानी का बड़ा प्यासा हो रहा हूँ। मालिक एक बोतल पानी दे देंगे? बिस्लरी दे दो यार। एक छोटी कोक वगैरह भी दे दीजिए कोई। तो यार जहाँ भी आपको लगे ना प्यास लगी है, वहाँ तुरंत पानी पी लें, बिल्कुल भी परहेज ना करें, क्योंकि हाइड्रेट रहेंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, और जिससे आपका शरीर जो है वो ठीक से काम करता रहेगा। अब जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ लाल बत्ती पे कहीं रुकेंगे, वहीं पानी और पी लेंगे, है या नहीं? भाई तू निकल जा, हम पीछे हो लेंगे, कोई बात नहीं। आगे इतना ट्रैफिक है, बिल्कुल पीछे से उड़न मार। के लबड़े तेरी माँ का चोद था, बहन चोद। गाइस फाइनली NSP पहुंच गया हूँ, नेताजी सुभाष पैलेस। हालांकि बीच में धोला कुआं रुका था मैं, और पानी की पूरी बोतल खत्म कर दी थी, वहाँ कहीं कूड़ा नहीं किया। देखो खाली बोतल भी मैं अपने साथ ला लूंगी, ये देख लो खाली बोतल, और ये भी आप लोग ध्यान रखा करें चीज़ों का, है नहीं? खाली बोतल का ध्यान रखा करें, ऐसी कहीं भी ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, ताकि आसानी रहे, गवर्नमेंट के लिए भी सफाई करने की, और देश का भी भला होता रहे, ठीक है ना? आप ऐसे ध्यान रखिएगा। गाइस फाइनली रोहिणी सेक्टर 16-11 पहुंच चुका हूँ, 37,511 पे राइड ख़त्म हुई है, 12 समझ लीजिए,
और रिजर्व 10 पे लग गया था, तो अभी पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, सीधा सर्विस सेंटर देने चले जाएंगे यार आज इसको। हाँ, क्योंकि इसके 2500 किलोमीटर पूरे हो गए सर्विस के बगैर, तो उसके बाद इसमें फिलिंग कराएंगे पेट्रोल की, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको सीधा किशन बाबू के पास, ठीक है ना, वहीं दे देते हैं इसको फटाफट से। और राइड सक्सेसफुल रही, मैं घर पहुंच गया हूं, बस 2 किलोमीटर दूर मेरा घर रह गया है, शॉप रह गई है, सीधा शॉप पे पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो फिर सीधा किशन मिस्त्री में मिलते हैं और इस ब्लॉक का करते हैं अंत यहीं पे, ठीक है ना।